उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की कहानी में एक मुख्य किरदार है जो कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह है उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे, जो कि मातोश्री से लेकर शिवसेना तक के मामलों की न सिर्फ जानकारी रखती हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो सलाह भी देती हैं। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति हैं जो किसी राजनीतिक पद पर बैठेगा, वरना इससे पहले तक राजनीतिक कुर्सी न लेने की परिवार की परंपरा रही है। उद्धव के सीएम की कुर्सी पर बैठने की इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण किरदार है उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे। रश्मि ठाकरे के बारे में मशहूर है कि वो घर के साथ साथ पार्टी के कामों में भी जबरदस्त सक्रियता रखती हैं। रश्मि बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ लड़की हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती, हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं, लेकिन उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी रहती है। रश्मि ठाकरे 1987 में जीवन बीमा निगम में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थी और इसी नौकरी के दौरान उनकी दोस्ती राज ठाकरे की बहन जयवंती से हुई। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज की बहन ने ही उद्धव की मुलाकात रश्मि से करवाई थी। दोनों की शादी 1990 में हुई। इस दंपति के दो बेटे हैं, आदित्य और तेजस ठाकरे। बताया ये जाता है कि ये रश्मि की ही राय थी कि बीजेपी के साथ बराबर की पावर शेयरिंग की जाए। इससे पहले भी नारायण राणे के पार्टी छोड़ने और राज ठाकरे से शिवसेना के अलग होने के दौरान भी रश्मि ने बातचीत में हिस्सा लिया था। रश्मि ठाकरे शिवसेना की महिला विंग कार्यक्रमों में भी अक्सर संबोधित करती हैं। माना जाता है कि रश्मि की राजनीतिक सूझबूझ भी उद्धव के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की मुख्य वजहों में से एक है। उद्धव के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को भी डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पीछे रश्मि का ही दिमाग बताया जा रहा है। रश्मि ठाकरे न सिर्फ राजनीतिक तौर पर पार्टी की मदद करती हैं बल्कि वो घर को भी भावनात्मक सपोर्ट देने की पूरी तरह से कोशिश करती हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।